your heart is single. Na mumkin jaisi koi bhi cheez nahi, jo khud na bane wo koi bhi naseeb nahi. Milegi manzil chahe kareeb nahi. Main hu dil ka ameer bhai gareeb nahi. Koi bhi lakeer nahi aisi jo keh de tujhe teri taqdeer nahi. Agar hui teri haar to maan le ye baat, banda tu hi zimmedar, koi aur nahi. जमाने की है देख मेरी रीत यही, जो कुछ चाहेगा तू वो भी पा जाएगा तू, जीत होगी तेरी पर खुद पे यकीन. पानी हो कम कंकर से निकाल, एड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल. बस कर बातचीत, रात गई थी तेरे सामने, सवेरा तेरे सामने है जीत. हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल? आई विश आप सब बढ़िया होंगे. तो फाइनली गाइस, हमारा न्यू सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों का भी रैंक पुश स्टार्ट हो गया होगा हमारी तरह. और आप लोग को बेस्ट ऑफ लक आपके रैंक पुश के लिए, और फटाफट कॉन्कर कर लेना ये सीजन. तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हम हमारे गेम प्ले की. अब तो ये वाला गेम प्ले गाइस, ये मेरा मॉर्निंग में मैंने रिकॉर्ड कर लिया था. लाइक मैं 7:30 से रैंक पुश करना स्टार्ट कर दिया हूँ, और स्टार्टिंग के एक दो मैचेस थोड़े से खराब गए गाइस, बिकॉज पहले मैच में मुझे कैंपर ने मार दिया और सेकंड में थोड़ा सा थर्ड पार्टी. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि लाइक हम फटाफट थोड़ा सर्वाइवल के लिए खेलते हैं, ज़्यादा किल्स वगैरह के लिए नहीं जाएंगे. और रैंक पुश में गाइस, अगर आपको फटाफट कॉन्कर करना है तो आपको अपने सर्वाइवल पर ही ध्यान देना है. किल्स वगैरह बचता हुआ गाइस तो मिल जाएंगे, बट मोस्टली सोलो में थर्ड पार्टी और कैंपिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपका गेम खराब जा सकता है. इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइक ये सीजन में फटाफट रैंक पुश कर लूँ और लीडर बोर्ड भी फटाफट टच कर लूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ. चलिए अब बात करते हैं गेम प्ले की. अब यहाँ पर गाइस मैं आता हूँ एक अच्छे खासे पोजीशन पे. लाइक ये फोर्थ जोन था और यहाँ पर मुझे एक पोजीशन भी मिल चुका था, बट यहाँ पर सामने गाइस मेरे सामने एक बंदा था जिसने मुझे डीपी से अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया था. तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, लाइक अगर मुझे उसका पोजीशन मिल जाए तो वो अच्छा होगा, बिकॉज वो एक अच्छे पोजीशन पर था, जोन का मिड भी था. जैसे यहाँ मैं ऑम से पिक करता हूँ, और इस बंदे ने यहाँ पर उसका जो पोजीशन है वो मुझे रिवील भी कर दिया था, तो उसे हम एक प्यारा सा हेडशॉट मारेंगे और उसका खेलने मुझे एकदम ईजिली मिल जाएगा. अब उसे मारने का गाइस यहाँ पर मैं हील कर रहा था, और थोड़ा सा बंदे ने स्पॉट कर रहा था कि इतने मुझे राइट में एक बेड़न दिख जाती है, और वहाँ पर एक बंदा भी था, और इतने में उस बंदे ने मुझे अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया. तो मैं फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर पत्थर के कवर में आता हूँ और फटाफट अपने आप को हील भी कर लेता हूँ. अब हील करने का गाइस मेरे लेफ्ट से थोड़े से जो व्हीकल है उनका रोटेशन चल रहा था, तो मैं ध्यान देता हूँ कि लाइक मेरे लेफ्ट में अपर रीच में जाके ना रुके, वरना मेरा गेम यहीं खराब हो सकता है. तो यहाँ पर गाइस मैं बस देख ही रहा था कि पीछे से एक बग्गी आने वाली है, और जिसके से गाइस मुझे थोड़ा सा अपना जो पोजीशन है वो चेंज करना पड़ा, बिकॉज ये जो बग्गी वाला था गाइस ये मेरे जो सामने के ऊपर रोक जाता है, और आई थिंक ये मुझे मारने भी आया था. अब यहाँ पर गाइस मैं जो बियड़े वाला बंदा है उसके सामने ओपन था, और मैं ट्राई करता हूँ कि उसे आर्म चिपका सकूँ. तो यहाँ पर मैं एक हार्ड स्कोप लेके बैठा रहता हूँ ताकि वो बंदा गलती से पिक करे, उसे मैं फिनिश कर दूँ. और यहाँ पर गाइस मेरे से जो आर्म का शॉर्ट है वो थोड़ा सा मिस हो जाता, लाइक मैंने उसे बॉडी मारा, तो फिलहाल के लिए बंदा बच जाता है. बट यहाँ पर गाइस मैं उस बंदे पे ही अपना जो एम है उसे रखता हूँ, ताकि बंदा गलती से पिक करे तो उसे मैं ऑम का एक हेडशॉट दूँ और वो इजीली मर जाए. वरना गाइस अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी भी गलती की तो बंदा मुझे इजीली मार देगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ओपन में हूँ. अब गाइस जो जोन है वो बस 25 सेकंड में आने वाला था, और मुझे अराउंड 130 या 40 मीटर जाने भी थे. तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ कि चलो उस बंदे पे एडीएस रख के हम मैं जोन में एंटर करता हूँ. मैं यहाँ पर अब यहाँ पर गाइस यहाँ पर मैं कवर में भी आ जाता हूँ. लाइक मेरे पास यहाँ पर एक अच्छा खासा कवर था, बट यहाँ पर जोन नहीं था, और जोन मुझसे ज़्यादा दूर भी नहीं था, लाइक 30 मीटर दूर अराउंड था. बट सीन ऐसा गाइस, यहाँ पर मैंने जिस बंदे को मारा था यहाँ पर 2-3 बग्गियाँ भी थी, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर बंदे ना हो. और मुझे जोन में भी जाना था लाइक 30 मीटर दूर, और ये जोन बहुत छोटा था. अब यहाँ पर गाइस मैं जैसे ही यहाँ पर कॉर्नर में आता हूँ कि इतने में एक जो बग्गी वाला बंदा जो मेरे स्टार्टिंग में भी मेरे अपर रीच में आया था जैसा आपने देखा होगा, वो वापस से यहाँ पर जोन के एस पे आ जाता है. तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं अनपिन थोड़े बहुत नेट डाल देता हूँ, ताकि उस बंदे को या तो डैमेज दे सके या फिर उसे मार सकूँ मैं. और यहाँ पर मैं उस बंदे को पुश कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं. अब यहाँ पर गाइस नेट की वजह से उस बंदे का थोड़ा सा एम ब्लॉक हो चुका था, बिकॉज जब नेट ब्लास्ट हुआ तो उससे थोड़ा सा
उसका प्रॉपर उसे व्यू नहीं है, और इतने मुझे यहाँ पर उसका व्यू मिल चुका था तो इसे हम इजिली मार देंगे। अब उसे मारने के लिए यहाँ पर मुझे अच्छा खासा कवर भी मिल चुका था, और जो जोन था वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था, लाइक थोड़ा ही दूर था। तो यहाँ पर मैं फटाफट उसकी बग्गी लेके यहाँ पर जोन के एच पे आता हूँ, और यहाँ पर लास्ट दो बंदे बचे हुए थे मुझे छोड़ के। फिलहाल के लिए मेरे पास एक अच्छा पोजिशन था, और इतने में कहीं लेफ्ट से एक बंदा लाइक किसी पर फायर ले रहा था, लाइक उसी थर्ड बंदे पर। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सा प्री फायर देता हूँ ताकि उस बंदे को मेरा पोजीशन रिवील हो जाए, और यहाँ पर मैं चाहता था कि लाइक वो बंदा मुझे पिक करे और उसे मैं एक ऑम का प्यारा सा हेडशॉट दूँ, कि इतने में वो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। फिलहाल के लिए इसे मैं M4 का थोड़ा सा डैमेज ही दे पाता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कवर में जो अपर रीच है उसका सपोर्ट ले लेता हूँ ताकि वो बंदा मुझे मार ना सके। और यहाँ पर मैं इस पर नेट भी डाल देता हूँ ताकि गलती से हमारा नेट प्रॉपर चले जाए तो उस बंदे किल मुझे मिल जाएगा, बिकॉज ये बंदा यहाँ पर ट्री के पीछे ही था। बट यहाँ पर मेरा जो नेट था वो मिस हो गया, और मेरे पास यहाँ पर एक ही नेट था, कि इतने में उस बंदे ने भी नेट डालना स्टार्ट कर दिया था। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा लोअर अपने जो बग्गी के उसके पीछे आता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली उसको पता है कि लाइक मैं बग्गी के पीछे ही कवर लूंगा, और उसके नेट से कहीं मुझे अच्छा खासा डैमेज भी पड़ चुका था। तो फिलहाल के लिए मैं हील कर लेता हूँ, और यहाँ पर वेट करता हूँ उस बंदे के जोन में एंटर करने का ताकि वो ओपन से एंटर करे तो मैं उसे मार दूँ। और यहाँ पर मेरी जो बग्गी थी गाइस वो ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने आई थी, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ब्लास्ट कर देता हूँ। और इतने में राइट से एक बंदा बेडम लेके आता है, और ये बंदा भी वही बेडम वाला गाइस जो मुझे स्टार्टिंग में मारने का ट्राई कर रहा था। अब यहाँ पर गाइस मुझे सिर्फ डर बेडम वाले से था, बिकॉज वो मेरे राइट में था, और अगर वो राइट में थोड़ा सा और हल्का जाता है तो उसे मैं ऊपर में दिख जाऊँगा। अब जो लेफ्ट वाला बंदा गाइस जो मैं ट्राई करता हूँ कि पहले इसे मारा जाए, और इसमें मेरे ये बंदा मुझे मेरे जस्ट क्लोज में स्पॉट भी जाता है, ये भी यहाँ पर आके साफ बन चुका था, बट इसे मुझे इजिली मार देंगे। अब यहाँ पर गाइस एक लास्ट बंदा बचा हुआ था, तो फिलहाल के लिए मैं ट्राई करता हूँ कि वो इसके गेडन को फोड़ दिया जाए, बिकॉज वरना ये बेडम से अगर रोटेशन मारता है तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आपको पता है कि बंदा बेडम से मेरे क्लोज में आएगा, और जैसे उसमें मैं फायर लूँगा और मेरी गन जैसे रिलोड पर जाएगी तो उतर के मुझे मार देगा। तो वो मैं यहाँ पर इसकी जो बेडम है उसे फोड़ देता हूँ, और फटाफट अपने लिए जोन में जाने के लिए पाथ बनाना स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस मैं एक अच्छे खासे ट्री के कवर में आ जाता हूँ, बट ये अगर ट्री जो था गाइस वो जोन में था नहीं, लाइक ये अराउंड 2 मीटर ही दूर था मुझसे जोन, लाइक मुझसे जोन 2 मीटर ही दूर था। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर था कि लाइक वो बंदा अगर मैं सांप बनता हूँ तो उस बंदा मुझे इजिली स्पॉट कर लेगा, बिकॉज उसके पास बीएडएम का कवर है और मैं लोअर रिश्ता और वो अपर रिश्ता। तो यहाँ पर इस बंदे ने गाइस गलती कर दी, इसने खुद ने एक स्मोक डाल दिया, लाइक इसने खुद का एम ब्लॉक कर दिया। तो फिलहाल के लिए मेरे लिए एक अच्छा एडवांटेज मुझे मिल चुका था, तो यहाँ पर मैं फटाफट से सो जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने अपने बैग्स वगैरह भी उतार दिया था, बिकॉज आपको पता है स्नेक जोन में गाइस मैक्सिमम टाइम आप अपने ड्रेसेस और बैग्स की वजह से स्पॉट हो जाते हो। तो यहाँ पर गाइस मैं फटाफट ट्राई करता हूँ कि थोड़ा राइट से फ्लाइंग किया जाए और इस बंदे को मारा जाए। तो इस बंदे का गाइस मेरी फाइट कैसे होने वाली और हम कैसे चिकन डिनर वाले, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर।